आपका स्वागत है, गंगा सवेरा आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात प्रियंका का स्क्रीन टेस्ट की बात कर लेते हैं। 22 के लिए कौन बेस्ट है, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट ले रही है। ये स्क्रीन टेस्ट कांग्रेस की बदली हुई पॉलिटिक्स की झलक दिखाती है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ये टेस्ट 22 की पिच पर कांग्रेस को मैच जीता पाएगा। चुनाव से पहले उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट, कांग्रेस के स्क्रीन टेस्ट में कौन पास कौन फेल, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्योंकि जहां चुनाव लड़ाने से पहले जाति और चुनाव लड़ने वाले के चेहरे को देखकर टिकट देने का चलन चल रहा है, वहीं प्रियंका गांधी ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने वाले नेताओं का स्क्रीन टेस्ट ले रही है। ये तस्वीर है कांग्रेस की उस स्क्रीनिंग कमेटी की, जब सोमवार को पूरे दिन प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में उन दावेदारों का मंथन हुआ जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। देखिए, बैठक में संगठन पर भी चर्चा हुई, आने वाले दिन में चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई, और जो स्क्रीनिंग होती है टिकटों को लेकर तो सभी लगभग सीटों पर चर्चा बातचीत, उसका फीडबैक लेना, उसकी तैयारी करना, ताकि आने वाले दिन में हम जल्द टिकटों की घोषणा कर सके, इसकी एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की माने तो अभी स्क्रीनिंग का सिर्फ एक स्टेप पूरा हुआ है, अब दूसरा स्टेप CEC का है, जिसमें एक बार फिर मंथन होगा और इसके बाद सीधा ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी ने लिया है, उसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। 40% टिकटों में महिलाओं की भागीदारी होगी और निश्चित तौर से जितनी भी सीटें आएंगे उसमें 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। गौरतलब है कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर कई आवेदन आए हैं। अब बारी योग्य उम्मीदवार को चुनने की है। यही वजह है कि कई प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि यूपी चुनाव में प्रियंका का ये महिला दाव क्या उन्हें 22 की बाजी जिता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।